अगर आपको सब कुछ पता ऐसा चला तो आप लोग खुद मुझे आके बोलोगे कि सॉरी दीदी, आपको गलती से गंदा बोल दिया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि एल्विस यादव का एक इंटरव्यू आउट हुआ है जियो सिनेमा पे, जिसमें एल्विस यादव ने क्लियर कर दिया कि जिस लड़की के बारे में वो बिग बॉस के हाउस में बात कर रहे थे कि उनकी गर्लफ्रेंड बाहर है, वह कीर्ति मेरा नहीं थी, बल्कि वह कोई और है जो कि पंजाब में रहती है एंड वह काफी सिंपल लाइफ जीती है, सोशल मीडिया से वह कोसों दूर रहती है। इसके बाद दोस्तों काफी सारे लोगों ने कीर्ति मेरा को हेट एंड ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया एंड काफी सारे लोग तो उनको बोलते हुए नजर आए कि एल्विस के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं था, फालतू में एल्विस का नाम तुम व्यू के लिए बदनाम कर रही हो। तो दोस्तों फाइनली इस पे कीर्ति मेरा का भी रिएक्शन आ चुका है, तो देखिए कीर्ति मेरा क्या कुछ बोली। एक डाउट क्लियर करना था कि मेरा कमेंट सेक्शन में बहुत चीजें लोग ऐसे आके लिखे जा रहे हैं कुछ भी, और मैं उस चीज को इग्नोर कर रही हूँ। तो मैं सबको बस इतना बोलूंगी कि पहले आप अगर कुछ भी बोल रहे हो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, बोलो आराम से बोलो, कमेंट सेक्शन है, खुली छूट है, बोल सकते हो, ब्लॉक कर दूंगी मैं, दूसरे अकाउंट से बोल दोगे। पर बोलने से पहले ना बस एक बार सारी चीजें एक बार ना एनालाइज करके देखना। सोशल मीडिया पे है सब कुछ, मेरे इंटरव्यू, मेरी वीडियोस या फोटोज, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। मैंने इंटरव्यू में पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे पता कि किसके लिए है, तो मेरे को आके मत बोलो ऐसे, है ना, कि व्यूज और ये और वो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। पांच, ठीक है, तो खुद का चैनल बनाए हुए मुझे 5 साल हो गए और इस इंडस्ट्री में आए हुए, चाहे मैं जिसके भी साथ आई हूँ, 7 साल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी एकदम से उठ के आ गई कहीं से, नहीं, मेहनत करी है, उसका क्रेडिट इतना पहले नहीं मिला था, अभी मुझे नहीं पता जिस भी रीजन से मिल रहा हो, कोई बात नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है, ना मैंने किसी को कुछ बुरा बोला, ना मैंने, बल्कि मैंने अच्छा ही बोला है, बुरा तो कुछ बोला ही नहीं। तो एक बार जब कमेंट सेक्शन में आते हो ना, थोड़ा सोच के पूरा सोशल मीडिया, पूरा यूट्यूब पे सर्च करके कि क्या वीडियो थी, क्या नहीं थी, क्या बोला क्या नहीं बोला, उसको सोचना और फिर बोलना। कमेंट तो भर दिया आपने, बढ़िया, पर एक बार वीडियो पे जाके देखोगे ना तो देखोगे कि मैं तो पहले ही बोल चुकी थी कि मुझे पता ही नहीं किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, किसकी बातों में सच्चाई है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो ऐसे ही YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।